अस्सलाम वालेकुम, मैं इससे पहले भी बीबी क्रीम्स के ऊपर आपको एक रिव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन वो तफसीली रिव्यू नहीं था। उसमें मैंने आपको पाकिस्तान में मिलने वाली अफोर्डेबल बेसिस दिखाई थी, और उसके साथ साथ मैंने चाइना में बनने वाली ये XQM की बेस भी आपको दिखाई थी, लेकिन उसमें मैंने इसकी तफसीलात आपको नहीं बताई थी। आज मैं इस पे आपको थोड़ा सा तफसीली रिव्यू दूंगी। ये बीबी क्रीम चाइना की बनी हुई है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। 300 से 350 की रेंज में आपको ये हर दुकान से मिल जाएगी। ये 65 ml की पैकेजिंग में दस्तयाब है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो एक साल तक है। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो आप देख सकते हैं कि मल्टी वाइटमिन का जिक्र किया गया है, मुख्तलिफ वाइटमिन इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है, स्किन के अंदर जो है जो डिहाइड्रेशन है उसको ख़त्म करता है। और इसके अंदर जो खसूसी बात पाई जाती है कि इसको लगाने से पहले आपको प्राइमर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर आप इसको एक से दो दफ़ा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी कवरेज भी मिल जाती है। मार्केट में ये तकरीबन 3 किस्म के फ्लेवर्स में मिलती है। जो ये वाली है ऑलिव में है, ये आपके लिए मीडियम टोन में इस्तेमाल होगी। अगर यानी आपकी मीडियम टोन है तो आप इस वाली बीबी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी फेयर टोन है तो ये आप एप्रिकॉट में जो है बीबी क्रीम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन टोन वार्म है तो इसमें आपको पर्पल कलर की बीबी क्रीम भी मिलेगी, जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उसको शो कर दूँगी। तो वो आप वार्म टोन के लिए यानी जिनकी सांवली रंगत है उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी इसकी अकसाम। अब इसको लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। यानी अगर आपके पास महंगी वाली फाउंडेशन नहीं है और आपने इसी बीबी क्रीम से कोई अच्छी बेस बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये बीबी क्रीम है फेयर टोन के लिए, तो मैं इसकी अगर मैं ऑफिस जाते हुए या स्कूल कॉलेज जाते हुए इसका यूज़ करना चाहती हूँ तो मुझे इसकी कम मिकदार लेनी पड़ेगी। देखें, जैसे मैंने ये एक डॉट ले लिया, तो ये स्कूल कॉलेज जाते हुए मेरे लिए काफ़ी है, ऑफिस जाते हुए काफ़ी है। इसको आप स्किन पे फैला लें तो ये बआसानी अब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसमें कोई चिपचिपाहट भी नहीं है। आप इसको हर तरह के मौसम में लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आपको इस पर किसी किस्म का फेस पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें, इसका ये रिज़ल्ट आ रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको ज़रा लॉक कर दूँ ताकि मैं इसे किसी फंक्शन पे भी इस्तेमाल कर सकूँ। तो उसके लिए मैं दो तरीके इस्तेमाल करूँगी। एक तो अगर मेरे पास कोई भी फेस पाउडर पड़ा हुआ है तो उसको मैंने पफ के साथ या ब्रश के साथ इसी तरह उस हिस्से पे अप्लाई कर लेना है, जैसे ये देखिए मैंने किया है। ये देखिए, इसको अच्छे से जज़ब कर लें तो ये बेस आपकी बहुत अच्छी बन गई। अब इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी कवरेज वाली हैवी बेस बने तो आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने एक डॉट और ले लिया, और अब मैं इसको चाहूँ तो उंगलियों से, चाहूँ तो किसी पफ के साथ, और चाहूँ तो किसी ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रश के साथ जो हम बेस लगाते हैं वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जज़ब हो जाती है। ये देखिए, मैंने इसको रीअप्लाई किया है, ये बिल्कुल स्मूथ सी बेस बन गई है, और बिल्कुल मैट सी है, बिल्कुल केकी लुक नहीं आ रही। अच्छा, अगर आपके पास फेस पाउडर नहीं है या कोई सा भी फेस पाउडर है ग्लैमरस फेस का है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ये मार्केट से आपको लूज़ पाउडर शेफर वालों का मिल जाएगा जिसे, और इसके अंदर आप ये देखें थोड़ी सी शाइन भी है, आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको इसके अंदर हल्की सी शाइन भी शो होगी। ये ब्रश के साथ आप इसको इसके ऊपर अप्लाई कर लें। ये देखें, ब्रश के साथ लगाना चाहें या पफ के साथ लगाना चाहें, दोनों सूरतों में इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप इसको पानी के साथ धोते भी हैं तो आपकी बेस जो है वो बिल्कुल नहीं हटेगी, और अगर पसीना आता है तो आपने इसको रगड़ के साफ़ नहीं करना, बल्कि हल्का सा टिश्यू पेपर के साथ आपने साफ़ कर लेना है। ये देखें, आप इसमें हल्की हल्की शाइन देख रहे हैं ना, और ये मेरा वो हाथ है जिस पर मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया।
अब आप इसका फ़र्क आपके सामने है। अगर आप ये सस्ती बेस और अच्छी बेस लेके बना के लगाना चाहें तो मेरे कहने पे, मेरे मशवरे पे आप ये ले सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल है। 200 में आपको ये फेस पाउडर मिल जाएगा, 300 में आपको ये बीबी क्रीम मिल जाएगी। अगर 500 में इतनी ज़बरदस्त आपकी बेस तैयार हो सकती है तो इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपके लिए मुनासिब रेंज में वीडियोज़ बनाती रहती हूँ।